Subscribe and press the bell icon for latest update. कोयला घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा ने कोर्ट की तरफ से 3 साल की सजा के ऐलान पर कहा है कि उनके पास और भी विकल्प हैं। 3 साल की सजा दी है, कैसे दिखती है? आपराधिक साजिश का दोषी कोर्ट ने माना है, तो इसे कैसे दिखते हैं? ठीक है, न्यायालय का अपना निर्णय है, उस पर मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास में हर विकल्प है। मैं अपनी बात को और अच्छी तरह से अपनी बात को रखने का कोशिश करूंगा अपील कोर्ट पर। आप पर 25 लाख का भी जुर्माना कोर्ट ने लगाया? 25 लाख तो मेरे हिसाब से काफी मैंने ज्यादा है, मेरे लिए तो काफी मुश्किल है। प्रयास करूंगा कितना संभव हो सकता है। न्यायालय का है, निश्चित रूप से मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो परिस्थिति है मेरे साथ में उस पर मैं विचार करूंगा कि कैसे मैं इसको। बता दें आपको, दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आज राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के. बसु और मधुकोड़ा के सहयोगी विजय जोशी, केंद्रीय कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को भी 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही विसुल कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी पर इल्जाम है कि साल 2007 में हुए कोयला घोटाले के समय इन लोगों ने अपने पद का गलत तरीके से उपयोग किया था। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।